उसमें कार्रवाई चल रही है बराबर, और उसमें मेरे ख्याल में बहुत जल्द आगे की जो भी चीज़ें हैं तफ्तीश से रिलेटेड वो धीरे वो आगे बढ़ती हैं। वो हम लोगों ने दो लोग जिनके ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर शक व शुबा था, वो अब आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जैसे मैंने कहा एक स्टेज उसकी मुकम्मल हो चुकी है, उसी वजह से हमने उसको होल्ड किया था। दूसरा डीएनए सैंपल जिसका टेस्ट आना बाकी था वो टेस्ट भी आ गया है। अब जो हमारे इस केस में शक के दायरे में लोग थे उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पूछताछ जारी है। सर क्या आप इसमें दर्ज होगा? सर इस केस में देखिए जे जितना जितना केस आगे बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद बात करेंगे, अभी ये बहरहाल इतना ही कह सकते हैं। सर आर्मी के खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज होगा? लॉट ऑफ हाइडआउट्स इन द लास्ट फ्यू वीक्स there are Chinese weapons which have been also recovered and it's been said that China is dropping these weapons through drone. How is security grid going to tackle that? क्या Chinese weapons यहाँ पे पाए गए हैं? देखिए जब से मिलिटेंसी चली है तब से लेकर के अलग अलग ब्रांड वेपन के जहाँ पर रिकवर होते हैं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच वी फाउंड। एक कारबीन है जिसको कहते हैं कि चाइनीज़ ओरिजिन की हो सकती, मगर इस तरह के पिस्टल स्टार पिस्टल पहले से मिलिटेंट के हाथ में बहुत हैं। ड्रोन से वेपन ड्रॉप करने की कार्रवाई नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और हमने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है। इसके खिलाफ जो काउंटर मेजर्स ग्राउंड के ऊपर प्लेस करने उसके लिए हमने कुछ मेजर्स दिए हैं और बाकी की कार्रवाई भी की जा सकती है, मगर इसमें अभी तक जो हम लोग देखे हैं काफ़ी ज़्यादा कंसाइनमेंट्स वेपन की, उसमें AK-47 भी है, MO4 वेपन भी है जो पहले इधर भी कश्मीर में जैश मोहम्मद के पास पाया जाता है, उसके अलावा पिस्टल हैं, ग्रेनेड हैं और नारकोटिक्स भी हैं। सो ये दो तरह की कार्रवाई, टेररिज्म को हथियार पहुँचाना और हथियार खरीदने के लिए मिलिटेंसी चलाने के लिए नारकोटिक्स की सप्लाई जिसको बेचने के बाद पैसे को मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, ये दोनों ही पाकिस्तान से चल रही हैं। इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई ग्राउंड की सतह पे वो भी हो रही है और जो काउंटर मेजर्स लेने हैं वो भी किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बर्फ होने से पहले कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए यहाँ? देखिए बर्फ होने से पहले जो कोशिश पाकिस्तान की रहती हर साल वो इस साल भी हुई है, गुरेज बांडीपुर के सेक्टर में कुछ इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की रिपोर्ट सामने आई है। कुछ एक जगह के ऊपर आर्मी का कांटेक्ट भी हुआ था बट जंगल एरिया के चलते उसमें बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली, मगर कुछ हथियार और वारलाइक मटेरियल जो वो लेकर के पार से आए थे वो रिकवर हुआ दो तीन जगहों पे। इस तरह की कार्रवाई बारामूला के सेक्टर में भी अटेम्प्ट की गई और कुछ एक कार्रवाई कामयाब भी हो सकती है। कुछ एक हंदवाड़ा के सेक्टर में इस तरह की रिपोर्ट सुनने को आई है कि इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन उस एरिया में भी हुई है। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है मगर हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड है बहुत मजबूत है। इस साल बहुत सारे जो इस तरह के अटेम्प्ट हैं उनको बॉर्डर पे नाकाम किया गया है, चाहे वो रजौरी पुंछ का एरिया हो वहाँ पर भी इस तरह के अटेम्प्ट नाकाम किए गए, बारामूला कुपवारा के एरिया में भी इस तरह के अटेम्प्ट नाकाम किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया।